सो गाइज यहाँ पे आई है रितु, और रितु भी सुबह सुबह आती है, जब उसका टाइम रहता है ना तब वो आती है मेरे पास। और ज़्यादातर ना उसका काम काफ़ी सारा काम रहता है, क्योंकि वो टेलर है ना, ब्लाउज़ बनाती है। तो यहाँ पे उसको मैं कुछ बोल रही थी, पता नहीं है मुझे क्या बोल रही थी मैं, बड़ा लॉजिक लेके बोल रही थी मैं, बहुत ही मस्त मगन होके, और वो सुन भी रही थी और वो भी बोल रही थी बहुत कुछ। तो पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे नहीं पता ध्यान से। और यहाँ पे वो जब आती है ना तो मेरा एक भी काम नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ गप्पे लड़ाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो बहुत मतलब रहती है साइड में। तो कोई अगर आपके घर में आता है, आपके साथ बात करता है, तो काम होता है नहीं होता है? तो वही चीज़ है, जब वो आती है तो फिर काम नहीं होता है, मैं उसके साथ बैठे बैठे बस बातें करती रहती हूँ। तो देखो यहाँ पे उसके साथ अभी ना बात भी कर रही हूँ और प्लस काम भी कर रही हूँ, क्योंकि देखो अभी मेरे को अपना काम भी निपटाना है, और फिर मेरे को ना खाना भी बनाना है, पीछे लेबर लोग काम कर रहे हैं, नहाना है। आजकल मैं रितु के घर पे जाके नहा रही हूँ, तो क्योंकि उनके घर पे ना नल है और मुझे ना नल के ताज़े पानी से नहाना बहुत पसंद है, और दूसरे वाले बाथरूम में ना जो है ना उसमें मोटर का लाइन नहीं है, और मुझे ऊपर टैंक के पानी से नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है मुझे टैंक के पानी से। अगर बॉडी में अगर ताज़ा पानी ना जाए ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। हमारी आदत हो गई है एकदम ताज़े पानी से नहाने का, क्योंकि यहाँ गांव है और गांव में ना हमेशा बोरिंग चलता है, टैंकी चलता रहता है, एकदम ताज़ा पानी आता है, हर चीज़ हम ताज़े पानी से ही करते हैं। तो यही हाल हो गया है हमारा, हमें एकदम वो क्या कहते हैं टैंक के पानी से ना कुछ भी करने का मन नहीं होता है, बस बर्तन धो नॉर्मल, कपड़े धो बस वही, और कुछ नहीं। और यहाँ देखो अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच, भिंडी फ्राई कर रही हूँ मैं, भिंडी भाजी। तो प्याज दिया, टमाटर, लहसुन, इन सब चीज़ों से बनाऊँगी, इन सब चीज़ों को डाल के ना काफ़ी मज़ा आता है भिंडी। और खाली भिंडी फ्राई करो ना तो मज़ा नहीं आता है, अगर उसमें थोड़ा प्याज लहसुन टमाटर ना पड़े ना तो भिंडी में मज़ा नहीं आता है। तो आज मैंने इसमें प्याज लहसुन टमाटर ये सब देख के अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी मैं। और एक बनाऊँगी सब्जी मैं, पत्ता गोभी का सब्जी। तो ठंड के टाइम ना पत्ता गोभी का जो सब्जी है ना वो बहुत मज़ा आता है खाने में। तो ये मैंने सीखा है रितु के घर से, पत्ता गोभी का सब्जी पहले नहीं खाया मैंने कभी, बट रितु के घर में ना पत्ता गोभी का सब्जी एक दिन खाया था तो अच्छा लगा था मुझे, तो तब से मैं पत्ता गोभी का सब्जी बनाती हूँ। वैसे तो पत्ता गोभी क्या कहते हैं फ्राई करके, फ्राई भाजी करके खाते हैं, लेकिन हम लोग मतलब हम लोग अब उसका तरी भी बनाते हैं। सो अभी थोड़ी देर के लिए हम ढक के रखेंगे, 5-10 मिनट के बाद स्लो फ्लेम करके रखेंगे ना, तो कम से कम 5-10 मिनट रखेंगे, 10 मिनट काफ़ी हो गया है। तो वो तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बीच बीच में आके ना ढक्कन को हटाती रहूँगी। और यहाँ देखो मीनी भी आके बैठी है, इसका तो रोज़ का ही काम रहता है यहीं पर ही बैठना। पता है जानवरों को भी पता है कि कहाँ उसको प्यार मिलता है, उसको मैं हज़ार बुरा मारती हूँ, हज़ार बार उसको गाली देती हूँ, लेकिन वो फिर भी मेरे पास आती है। उसको पता है कि मेरे पास से उसको खाना पीना सब मिलेगा, प्यार मिलेगा, हर चीज़ मिलता है उसको, ठीक है, हर एक फैसिलिटी मिलती है। ठंड के टाइम उसको मैं क्या करती हूँ, एक बाहर ना चादर बिछा के देती हूँ, तो वहाँ पर वो सोई रहती है, बाहर मतलब एकदम बाहर नहीं, मतलब बरिंदे में, उसके बाद मंदिर के सामने, मंदिर के सामने मेरा जगह खाली है ना जो आप लोगों ने देखा होगा, तो वहीं पर मैं जगह बना के देती हूँ उसको। और यहाँ देखो अभी लेके आई हूँ मैं फूल, पूजा करना है अभी हमें। तो हमारा बाथरूम देखो अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें लिंटर पड़ेगा। माधव देखो क्या कर रहा है, माधव मेरी गोद में खेल रहा है। माधव पता क्या देख रहा है, बहुत टाइम से ये देख रहा है, एक कढ़ाई के ऊपर से जो भाप निकल रहा है ना इसको देख के मजा ले रहा है। देखो और कढ़ाई के अंदर से जो बुलबुले वाली आवाज आ रही है ना वो भी सुन रहा है। तो यहाँ बन गया है पत्ता गोभी का सब्जी, और यहाँ बन गया है प्याज की सब्जी।
तो यहाँ देखो, ये नहा धो के कंप्लीट हो गया है और दूध भी पिया है। आजकल ये सब करने लगा है। करो 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 की। सो गाइस देखो, ये बिल्ली को ना मैं बुला रही हूँ और ये बिल्ली ना तुरंत चली आई है। वो गली में थी और ये ना चली आई है और ये ना पूरा बात सुनती है। देखो यहाँ पे निकल गई है, अभी यहाँ पे बैठी रहेगी। बिल्ली है ना प्रॉपरली बात सुनती है। आजकल इसका पता नहीं क्या है, करता है। और हस्बैंड गए हैं नहाने, अभी खाना खाएंगे क्योंकि बहुत भूख लगी है, बहुत ही तेज़। तो चलो अभी फटाफट से हम खाना खा लेते हैं। और गाइज अभी हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और फटाफट से चलो अभी खाना खा लेते हैं। और हम लोग ना हमेशा एक ही थाली में खाते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है एक थाली में खाना खाना। तो मज़ा आता है एक थाली में खाना खाने में, ठीक है। मेरे को ना एक साथ खाने में बहुत मज़ा आता है, अलग अलग खाने में ऐसा लगता है ना कि यार अकेले अकेले मज़ा नहीं आता है। तो मैं हमेशा एक ही थाली में खाती हूँ, तो बहुत लोगों के नज़रों में ना खटता है ये चीज़, लेकिन खटना नहीं चाहिए यार। हस्बैंड वाइफ खाते हैं तो क्या बुरी चीज़ है? अगर मैं बहुत कुछ बोलूँ ना, बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन नहीं, इन सब मैटर में ना पढ़ना नहीं है मुझे। लोगों का एक कमेंट पकड़ के बैठो, उसके बाद अलग ही हो जाता है सीन, क्रिएट हो जाता है। इसलिए ना ही पकड़ो तो ही बेहतर। और अभी देखो माधव उठ गया है और मेरे हस्बैंड बोले थे ना कि तुम खा लो पहले, मैं जाता हूँ उसके पास, तुम खा लो। फिर मैंने खाया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और हस्बैंड ने बोला तुम पहले खा लो, फिर मैं आराम से बैठ के खाऊँगा, जिससे कि बिना टेंशन के। और जब एक बार मैं उठ गई ना, तो फिर मैं दोबारा खाना नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है खाना खाने के टाइम उठना पसंद नहीं है। होता है ये कि जो चावल का है ना, वो चावल का अपमान करना नहीं चाहिए, तो मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ। एक बार अगर मैं उठ गई ना, तो दोबारा मैं उस थाली में खाना नहीं खाती हूँ। तो इसलिए हस्बैंड उठ गए थे, हस्बैंड ने बोला तुम खा लो, फिर मेरे लिए थोड़ा सा चावल लाना, फिर मैं खा लूँगा। तो मैंने अपना खाना खा लिया है और हस्बैंड को थोड़ा चावल दिया है। अभी हस्बैंड बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और देखो अभी शाम हो गई है, अभी आई हूँ मैं अपने मायके थोड़ा काम के लिए, थोड़ा काम था घर में मायके में, तो यहाँ आई हूँ मैं। और देखो यहाँ पे ये एक ताऊजी है मेरे, तो ये ताऊजी बहुत अच्छे हैं। तो देखो माधव को लेके बैठे हैं,